बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एलिमेंट्री एजुकेशन जिसका कोर्स कोड है 8623, इसकी असाइनमेंट नंबर 1 के आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। सिंपली आप बुक से देखते हुए लिख सकते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका ए और बी पार्ट है। तो आपने ये जो हमारे पास असाइनमेंट है ए बी पार्ट है, तो दोनों के आंसर्स मैं आपको बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है एल्यूसिएट द रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। वो कहता है कि एक्सप्लेन करें कि हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या है एजुकेशन के हवाले से। आंसर आपको 44 से 47 तक मिलेगा। नेक्स्ट बी पार्ट है कंपेयर द एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम ऑफ पब्लिक ऑफ कोरिया विद जापान। कोरिया का जापान के साथ आपने कंपेयर करना है कि एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम कैसा है इनमें। तो इसमें 34 से 40 तक आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि आपने जो आंसर्स लिखने हैं पेज के ऊपर, मिनिमम आपने 3 पेजेस लिखने हैं, क्योंकि आपकी जो फ़ाइल है वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो फाइल का जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो बाद में आपको मसला बनेगा। क्वेश्चन 2 है जिसका ए पार्ट है डिस्क्राइब मिडल चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वो कहता है कि आप बताएं कि मिडल चाइल्डहुड क्या है अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी। ये हमारे पास एक थ्योरी है जिसमें डिफरेंट जो है हमारे पास टाइप्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है अब बच्चों के ऊपर उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी को देखते हुए। तो इसका आंसर जो है वो आपको 61 से 63 के दरमियान मिल जाएगा। आप सिंपली इसको राइट डाउन कर सकते हैं। एक बात आपको बताऊं कि आप काइंडली खुद असाइनमेंट लिखें, इससे ये होता है कि एटलीस्ट आपको डिग्री तो मिलनी ही है लेकिन उसके बाद आपने पेपर्स भी देने हैं। चलें आप खुद लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ याद रह जाएगा और डिग्री का भी आपको कुछ फ़ायदा होगा। क्वेश्चन बी है आइडेंटिफाई द सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इन मिडल चाइल्डहुड। वो कहता है कि आप बताएं, आइडेंटिफाई करें, ढूंढें कि क्या सोर्सेज हैं और क्या टाइप्स हैं एडजस्टमेंट की, कि हमारे पास जो बच्चे होते हैं उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एज़ अ टीचर हाउ विल यू हैंडल देम इन क्लासरूम। कहता है अगर आप एक टीचर हैं और आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे क्लासरूम में। इसका आंसर आपको 83 से 87 तक मिल जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 है पर्सनालिटी डेवलपमेंट अकर्स अर्ली इन लाइफ बट लेटर ईयर्स प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली डेवलपमेंट ट्रेंड्स। इसका आंसर आपको बुक से नहीं मिलेगा, लिंक मैंने ऐड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी, मैं ये लिंक जो है वो ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पार्ट है एक्सप्लेन द इंटर रिलेशन ऑफ लैंग्वेज स्किल। इसका आंसर आपको 99 से 101 तक मिल जाएगा। बी पार्ट है सजेस्ट वेज टू इंटीग्रेट हेल्थ एजुकेशन विद अदर सब्जेक्ट। इसका आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ 135 से मिल जाएगा। अच्छा, मैं इनको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चंस हैं, आप इसकी ट्रांसलेशन सिंपल कर लें तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप बुक से अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। आप अगर आप देखें तो असाइनमेंट लिखने का जो बेस्ट वे है वो तो यही है कि आप एक दफ़ा पढ़ें और अपनी वर्डिंग में आप ऐड करें। तो आप पहले पढ़ें और उसके बाद आप उसको समझें और देन आप उसको राइट करें, इससे आपकी जो सेल्फ राइटिंग है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगी और साथ में आपको याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है ए पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन रोल प्ले एंड अ सिमुलेशन। इन दोनों में आपने डिफरेंस बताना है कि क्या क्या है। 167 से लेके 168 तक आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट है एलेबोरेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेक्निक्स इन डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग। कहता है कि आप टीचिंग के मेथड्स बताएं कि कौन कौन से जो मेथड्स हैं वो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। इसका आंसर आपको 183 से 184 तक मिल जाएगा। सिंपली मैंने आपको पेजेस जो हैं वो बताए हैं। अगर आपको किसी असाइनमेंट में मसला है, आपको आंसर्स नहीं पता चल रहे, तो आप मुझे उसका कोर्स कोड जो है वो आप मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो जो है वो बहुत जल्दी बनाऊँगा। इसके अलावा कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं।